फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रख हौसला अमित बधाना शॉर्ट फिल्म। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आलू लो, गोभी लो, टींडे लो, पालक लो, प्याज लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आलू लो, गोभी लो, पालक लो, टमाटर लो, प्याज लो, सब्जी ले लो, सब्जी। मैडम जी आ जाइए, एकदम फ्रेश सब्जी है। ताजी ताजी सब्जी ले लो। वाह भाई वाह, मुबारक हो, तुम्हें पता लगा कोविड खत्म हो गया? अरे कहाँ भैया जी, कैसी बातें करते हैं, न्यूज नहीं देखते हैं क्या? अरे न्यूज में कल ही इतना केसेस आया है। अच्छा, तो आपको पता है कि केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी आपका ये पांचवा राउंड है यहाँ पे? भैया जी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कोरोना से मरे ना मरे, इंसान भूख से जरूर मर जाएगा, मेरी बात में। अरे मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, मुझे पता है आपका काम बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। अरे जान है तो जान है, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे बार बार गोल गोल राउंड मार के वापिस ऐसे जाएंगे ना सबके पास, तो कोई ग्राहक आपके पास आए ना आए, लेकिन कोरोना खुद चल के आपके पास आ जाएगा। भैया जी कोरोना गरीब के पास ही आता है, आप अमीरों के पास नहीं आता है। आपके पास तो बेड है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, हमारे पास क्या है? अच्छा, कोरोना ने तो एक लिस्ट बना रखी है ना कि मैं सिर्फ अमीर लोगों के पास जाऊंगा, गरीब लोगों के पास नहीं जाऊंगा। कैसी बात करते हो भैया, आपको पता है मैं आपकी सेफ्टी के लिए ही बात कर रहा हूँ। सेफ्टी की लिस्ट भैया हम भी बना रखे हैं, ये देखिए, ये सैनिटाइजर है और ये है मास्क, हमको मालूम है। और सोशल डिस्टेंसिंग कौन करेगा भैया? दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, सबसे पहले अपने घर में झांकिए, अपने पिताजी को समझाइए। गोभी भी फ्रेश है। अंकल जी सुन रहे हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क? अरे कौन सा मास्क, उनके फादर मास्क पहनते तुम? अरे हम तो पहनते एटीट्यूड। अरे अंकल जी कोरोना वोरोना हो गया ना तो पछताएंगे बहुत। अरे कौन सा कोरोना, अरे ये सब चाल है चाइना की, भला मुझे कोई ये बताए कि चमगादड़ का सूप पीने से कोई बीमार हुआ है? अरे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, ये जो 5G है ना उसकी टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग। पापा जी अंदर आओ, एक मिनट आ रहा हूँ। पापा जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है बिना मास्क के बाहर मत आया करो, पहले अंदर आओ, मास्क पहनो फिर सब्जी खरीदो। एक मिनट, समझ गया ना तू, ये सब स्कैम है, स्कैम सब झूठ है पापा जी, चाइना की चाल है। आइए आओ अंदर आओ। अरे आजकल के बच्चे कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ते ही नहीं है। चलो बिना मास्क के बाहर क्यों आ गए? अरे मास्क से कुछ नहीं होता यार। अरे पापा जी इस कोरोना से बच के और डर के रहो। अरे डर किस बात का, और अगर कोरोना हुआ भी ना तो तू टेंशन मत ले। अरे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि नींबू की 2 बूंदों को नाक के अंदर डालो और कोरोना छत से बाहर। अरे नींबू ही तो लेने गया था, तूने मुझे लेने भी नहीं दिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपका फोन लेना पड़ेगा और उसमें से व्हाट्सएप डिलीट मारना पड़ेगा। अरे तुम 90s की जनरेशन ना बड़ी डरपोक पैदा हुआ। हां बता, इस कोरोना को इतना बड़ा हवा बना, हवा बना रखा है क्योंकि हवा है पापा जी। रोजाना हजारों लोगों की मौतें हो रही है और लाखों लोगों के केसेस आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी घटिया न्यूज और अफवाहों पर ध्यान देते रहते हो। ये सब आपको मजाक लग रहा है क्या? अंकल जी एसी रिपेयर कर दिया मैंने, और अमित भैया आप भी बेवजह घबरा रहे, कोरोना एक अफवाह है, मेरे दूसरे चाचा ने व्हाट्सएप पे बताया। गंदे वाली बात है भैया, बड़ा अच्छा नेकलेस पहन रखा है। नेकलेस? मास्क है। अच्छा आपको पता है ये मास्क है? जब आपको पता है ये मास्क है तो इसको पहनने वाली जगह पर पहनो ना, गले पर या नाक के नीचे, क्या कर रहा है ये, ऐसे पहनो ना इसको पूरा कवर करके। अरे भैया आप बेवजह घबरा रहे हो,
मतलब क्या है कोरोना? कुछ भी नहीं है, बिजनेस है बिजनेस। मैंने कोरोना के इंजेक्शन ना ब्लैक में बेच रहा हूँ आजकल। ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, उसके सिलेंडर 1500 में खरीदता हूँ और 15000 में बेच देता हूँ शाम को। विकास कहाँ ब्लैक कर रहा है ये सिलेंडर? नंबर है तेरे पास? अमित मैं क्या कह रहा हूँ कि हम भी 2-3 सिलेंडर खरीद ही लेंगे। बेटा वैसे भी तो तू इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लोगों की फ्री में इतनी हेल्प कर रहा है, कभी बेड दिलवा करके, सिलेंडर दिलवा करके और मेडिसिन दिलवा करके। अरे ये पैसा कमाने का टाइम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बिजनेस। थोड़ी शर्म करो इंसानियत के नाम पे, कम से कम भगवान से तो डरो। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि तुझे डर क्यों लग रहा है। डर लग रहा है अमित क्योंकि डरने वाली बात है। यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है स्वाति। लोग छोड़ो, मेरे पापा को कोई डर नहीं है, ऊपर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके कोरोना के नए नए नुक्शे लोगों को बता रहे हैं। बगल में प्याज रख लो, कच्ची मूली खा लो। कल मेरे एक कॉलेज फ्रेंड की कॉल आई, वो बैंगलोर वाला रवि नहीं था, रवि 2018 वाला बैचमेट। हाँ? उसकी मम्मी का देहांत हो गया। अपनी माँ से लास्ट बार मिलना तो छोड़ो, डेड बॉडी तक नहीं देख पाया। जिस पर बीत रही है ना उसी को पता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को बिजनेस बना के रख दिया है। सिलेंडर का स्कैम, ऑक्सीजन का स्कैम, यार इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची क्या इन लोगों में? अमित तुम थोड़ा शांत हो जाओ यार, केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं खुद पिछले 8-10 घंटों से सोई नहीं हूं, बहुत सर में दर्द है। स्वाति तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, हेड डाउन करके थोड़ा सो जाओ। भगवान का दर्जा देते हैं लोग डॉक्टर्स को, अगर आज हेड डाउन कर लिया तो कल सर उठा के इस हॉस्पिटल में किसी के सामने चल नहीं पाऊंगी। थैंक यू, अभी भी तुम जैसे डॉक्टर्स की वजह से और कुछ अच्छे लोगों की वजह से एक होप है कि हम इस बीमारी से जल्दी जीत जाएंगे। अरे यार तू मेरी बात सुन, करता हूं मैं थोड़ी देर में बात। अलग तू क्यों टेंशन ले रहा है इन बातों की? टेंशन वाली बात है अंकल जी, मेरी मम्मी को कोरोना हुआ है, उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे ना वो मैं सारे ब्लैक कर चुका हूँ। अरे विकास तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? अरे बताया तो है तुझे कि एक अदरक ले उसे मीठे पानी के साथ में डाल करके। चुप, एकदम चुप अंकल जी। कल तक मैं भी घटिया बातों पे यकीन करता था, पर जब मेरे ऊपर बीत रही है ना तो मुझे पता लग रही है कि बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अब आपसे क्या ही बात करूं। अरे विकास सुनो, आसमान ही दिखता है, अंधेरे साए हैं घने। सुर नहीं लगते हैं मेरे, जिंदगी जुदा है मुझसे, मेरी आसमान ही दिखता है, अंधेरे साए। अपने गिरेमान में झांकते नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने सब आ जाते हैं भैया जी। अच्छा एक मिनट दीजिए जरा। हेलो कहाँ पर हो? वैक्सीनेशन की है, वैक्सीन वैक्सीन लगवाई है भैया जी। वैक्सीन से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, हम तो फालतू में ही घबरा रहे थे। मैंने ना आपका नंबर और फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया है, अब जिसको भी सब्जी चाहिएगी ना वो सीधा आपको फोन करेगा। तभी हमारा फोन बजे जा रहा है। हमको आपके भी घर जाना है, आपके पिताजी से माफी भी तो मांगनी है। थोड़ा लेट हो गए आप, उनकी डेथ हो गई। आ जाओ, मुझे लग रहा है कोरोना से।
10 दिन पहले कोविड की वजह से इनके फादर की डेथ हो गई। दूर होते देखा अपनों को, खोते देखा अपनों के लिए मैंने अपनों को, रोते देखा तेरे पास तेरा सब थोड़ा करके, रुकी जान तेरी हो या मेरी बजाय इसको बात मान, जान है तो है जान, पहनो मास्क रहो सावधान, जान है तो है जान, पहनो मास्क रहो सावधान। रोजाना हम किसी अपने को खो रहे हैं, रोजाना मैं ये सोचता हूँ काश ये एक सपना होता, भयंकर सपना जो कभी सच ही ना होता। समय की एक खासियत होती है, ये अच्छा हो या बुरा बीत जरूर जाता है, ये समय भी बीत जाएगा, फिर से हम सबका परिवार खुशी से जगमगाएगा, फिर से हम एक साथ बैठ के ठहाके लगाएंगे। तब तक अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। जान है तो है जान, बिन मास्क रहो सावधान, जान है तो है जान, बिन मास्क रहो सावधान। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा वीडियो था, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया और बहुत इमोशनल भी थे। करना पड़ता है कि कईयों को समझ नहीं आता तो जब तक इस टाइप का नहीं दिखाएंगे कईयों को रियलाइजेशन ही नहीं होता, वो लाइटली ले रहे हैं। और जिस तरह से हो रहा है इंडिया में बहुत ट्रू है, अपने जा रहे हैं और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि उनकी गलती नहीं है, इन्फेक्शन आ रही है किसी और के थ्रू उनके पास, क्योंकि घर का कोई और बाहर निकला था वो इन्फेक्शन ले आया और वो उनको मिल गई, वो नहीं बच पाए और दूसरे को इतना इन्फेक्शन नहीं हुई, वो ठीक हो गए, तो गलती उनकी नहीं होती। जैसे इसमें उन्होंने दिखाया कि फादर जो थे वो नहीं मतलब ध्यान दे रहे थे, पर जनरली मैं तो यही कहूंगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं, वो जो यंगस्टर्स होते हैं वो लापरवाह होते हैं, मेरा तो थॉट यही है। पर इस केस में तो उन्होंने ये दिखाया कि फादर नहीं बिलीव कर रहे थे, और कई ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते, उनको लगता है कि ये बेकार की बात है, ये तो गवर्नमेंट अपने कुछ और एजेंडे से इतना वो कर रही है, या ये चाइना, जैसे उन्होंने बोल दिया कि चाइना ऐसी झूठी खबर फैला रहा है या कुछ उस टाइप से, कोई ना कोई एक्सक्यूज। और ट्राई तो सभी करते हैं कि व्हाट्सएप और एक दूसरे से एक मैसेजेस से कि शायद ये असर करे वो असर करे, और वो करते हैं और कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सिंपल इजी चीजें हैं जैसे हेल्दी डाइट के लगे वो कह रहे हैं कि आप ये कर लो, तो वो आप कर लेना चाहिए। पर ये है कि कोई अगर आपको बोल रहा है ये खरीदो या वो खरीदो, वो कभी नहीं करो क्योंकि वो पैसों के लिए कर रहा है। पर अपना नॉर्मल जो आपको लगता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता और हम कर सकते हैं इजी है, तो वो आप करने में कोई जाता नहीं, मेरा तो ये पर्सनल है। पर वो ये नहीं गारंटी कि वो आपको हेल्प करेगा, पर ये है कि बेस्ट चीज है घर में रहना, बाहर जाना है तो फुल प्रिकॉशंस लेके मास्क लेके सब करो, क्योंकि कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आप नहीं रह सकते, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई किसी वजह से आपको निकलना पड़ रहा है, तो फिर उस टाइम आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लो। और अगर लिमिटेड लोग बाहर निकल रहे हैं तो इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगी क्योंकि लोग हैं ही नहीं, वैसी खाली है पूरी जगह, सड़कें सब कुछ। पर बैक टू द वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था और जो एंडिंग थी, ओ माय गॉड, मुझे रियलाइज हो चुका था कि ऐसा कुछ हुआ होगा और वही उन्होंने बताया, वेरी ब्यूटीफुल। राइट, अच्छा वीडियो था और मुझे भी समझ आ गया था कि जैसे स्टोरी लाइन जाने वाली है, मैं समझ गया था कि कैसे जाएगी स्टोरी लाइन। तो उन्होंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि डेंजरस डिजीज है और ध्यान रखना चाहिए, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और रियलिटी ये है कि आप मास्क रखिए और फिर भी दूर रहिए, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग की चीजें हैं, करना तो बहुत कुछ चाहिए मगर मिनिमम जो है वो है कि मास्क, मिनिमम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ धोइए 20 सेकेंड तक, वो सारी बातें जो थी वो सारी वैलिड हैं, और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाइए। तो ये तो अच्छी बात है कि अब वैक्सीन आ गई हैं, एक समय था जहां पे वैक्सीन भी नहीं थी तो रियली प्रॉब्लम थी, अब वैक्सीन आ गई और पता लग रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग रही हैं उनको दोबारा चांसेस कम हो रहे हैं, अगर कुछ होता भी है तो छोटा मोटा होता है, ज्यादा नहीं, मोस्टली नॉर्मल पीपल को। तो होप यही है कि क्वारंटाइन
रखिए अपने आप को, वैक्सीन लगवाइए, एक बार वैक्सीन लग गई और फुली इम्यूनाइज हो गए फिर आप ठीक हैं, मगर तब भी अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को आप इनकरेज करिए कि वैक्सीन लगवाएं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।